गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास, हिंदी सेकेंड पार्ट 10 सर्वनाम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? सर्वनाम आप लोग हमेशा ही पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, मैं, कौन, आप आदि, है ना। प्रश्न दूसरा, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? नाम भी लिखने हैं तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कुल 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम के प्रकार हैं। प्रश्न तीसरा, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? नाम भी लिखिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ऐसे शब्द जो बोल रहा है या जो सुनने वाला है, या हम जैसे किसी की बात कर रहे हों जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, कहा जाए के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसे लोगों के ना के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाए के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं, तुम, वह आदि। जैसे मैं तो स्वयं के लिए हो गया, तुम हम किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं, या वह जिसकी बारे में बात हो रही है आदि। इसी तरह इन ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।